सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, एक्चुअली तीसरा वीडियो आज रात का, मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन दिल्ली और ये तीसरी हमारी लोकेशन है। और अब हम आ गए हैं खूनी नदी के बिल्कुल सामने। एक्चुअल में वो खूनी नदी नहीं है, उसका नाम है बवाना नहर। ये बवाना गांव है यहाँ पे और उसमें एक नहर, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, नहर बह रही है और पीछे एक मंदिर है। तो इस नदी को बताया जाता है कि ये नदी है हॉन्टेड। एक्चुअल में नदी में नदी माइंड में आ गया है, सब ये बोलते हैं खूनी नदी। एक्चुअल में ये है नहर। तो अभी मैं आपको इसका बोर्ड दिखाता हूँ, बवाना नहर लिखा हुआ है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और ये देखो एक बार नहर भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ भाई, पैर वैर ना फिसल जाए। यहाँ पे देखिए चढ़ाया जाता है नहर में, वो जो विसर्जन करते हैं वो सब करते होंगे, और ये वो नहर है। सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और वो सामने बोर्ड है, उसके पास हम भी चलते हैं। तो ये एक रोड जा रही है यहाँ से, ये देखिए पूरी रोड है। बवाना जगह है, नाम जगह का नाम है बवाना। और ये थोड़ी सी लाइट ऊपर करके दिखाओ, ये देखो ये पूरी बवाना नहर बह रही है नीचे से। ये देखिए क्या कुछ आ रहा है इनमें, बॉटल्स। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक आत्मा है जो इस नदी में, नहर में, सॉरी फिर से नदी मुँह से निकल गया मेरे, नदी इतना रटवा दिया है इन्होंने, फेक हॉरर ब्लॉगर्स ने, कि बिल्कुल नदी ही मेरे माइंड में आ रहा है। सो ये है नहर एक्चुअल में। तो अभी मैं वो आपको बोर्ड दिखाता हूँ, चलिए उस बोर्ड की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे साइड में बाबा मिष्ठान भंडार, और कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, वो देख रहा है भाई कौन आ गया जी, क्या नदी वदी नहर वहर के वीडियो बना रहे रात में। ये देखिए, हाँ भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत, शूट कर लें। अच्छा उसका मेरे ख्याल से पपी है साथ में, तो इस वजह से वो भौंक रही है यहाँ पे। ये देखिए खतरा बवाना नहर में नहाने के लिए, भाई एक बार बना लूँ वीडियो, 10 से 12 फीट गहरा है, डूब जाने का खतरा है, कृपया नहर में मूर्ति विसर्जन न करें तथा कूड़ा करकट न डालें। तो लोगों ने काफ़ी डाल रखा है, क्योंकि मंदिर देखिए सामने ही हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर के आगे, और ये देखिए हमारा दोस्त आ गया। तो हनुमान जी के मंदिर के पास में मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कोई भूत प्रेत हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखा देता हूँ। तो उसी नहर के साथ में अभी मैं चल रहा हूँ बिल्कुल, और रात के इस समय बज गए हैं 2। देखो भाई टाइम दिखाने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गूगल टाइम आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा दूसरी जगह से भी आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए पूरी बहुत ही बड़ा हाईवे है यहाँ पे, शायद कैमरे में आप बड़ी स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये पूरी नहर, फिर से एक बार दिखा देते हैं, यहाँ से भी दिखा दो लाइट ऑन करके अच्छे से नहर का दिखा देते हैं। खूनी नदी एक्चुअल में लोगों द्वारा बनाई गई खूनी नदी। ये देखिए ट्रक व्रक, बिल्कुल बिजी रोड है ये, रात में भी इतना रश है। देखिए 2 ट्रक गए हैं अभी, अभी बाइक्स भी जा रही थी और बाकी गाड़ियां भी जा रही थी। तो मैं एक बार गूगल टाइम आपको दिखा देता हूँ। गूगल टाइम आज रात की तीसरी लोकेशन, हैट्रिक हो गई आज हमारी, टाइम इन विजयनगर बवाना। ओके तो चलो अब थोड़ा सा और आगे तक चलते हैं भाई, देख लेते हैं कोई हमें नदी में खींच तो नहीं रहे। और एक बार ट्राई भी कर लेंगे EMF मीटर से भी थोड़ा सा देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहाव काफ़ी तेज़ है नहर का, हो सकता है ये बहाव ही खींचता हो और उन्हें लगता है कि कोई आत्मा ने हमें खींच लिया है। और ये दोनों साइड में है नहर, ये देखिए इस साइड में छोटा थोड़ा सा बना हुआ है। और वैसे तो देखो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो मुझे तो नहीं लगता हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो इन्वेस्टिगेशन कर ही लेते हैं एक बार EMF मीटर से। सो मैं अभी अपना EMF मीटर ऑन कर लेता हूँ और मैं अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा है मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हनुमान जी का मंदिर सामने, हनुमान जी के आगे तो कोई भूत प्रेत निकट नहीं आवे, तो फिर भी कर लेते हैं एक बार आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि
इस नदी में कोई चुड़ैल है जो खींच के हमें मार देती है, इंसानों को डुबो के अच्छे से बिल्कुल भिगा के मारती है। तो अगर ऐसी कोई शक्ति है तो इस EMF मीटर पे लाइट जला के दिखाइए हमें। आज हम देखना चाहते हैं कि हमें कोई इस नदी में खींचे। तो भाई बताओ हमें, कोई अगर यहाँ पे मौजूद है ऐसी चुड़ैल जो इस नदी में खींचती है, तो हमें अपनी प्रेजेंस दिखाओ, हमें फील कराओ, या हमें खींच के दिखा दो इसके अंदर। कोई भी ऐसी शक्ति अगर मौजूद है यहाँ पे तो बताओ, दिखाओ हमें अपनी प्रेजेंस। यार पता नहीं, टाइम वेस्ट सा लग रहा है मुझे यहाँ पे ये सब करना। ये देखिए गाड़ियाँ, फुल गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। देखिए एक गाड़ी चल रही है, ये बिल्कुल हमारे पास से निकल रही है। वो एक ट्रक वहाँ पे आ रहा है और गाड़ी भैया ने नीचे ठोक दी है। बहुत बिजी रोड है, रात के 2 बजे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चुड़ैल उड़ैल का लग तो नहीं रहा यार मुझे कुछ भी। और EMF पे एक भी सिग्नल इतनी देर से नहीं आया। हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं कि भाई कोई तो बत्ती जला दो, यहाँ पे कोई चुड़ैल है तो बत्ती जला के दिखा दो हमें। तो EMF मीटर मैंने अपना बंद कर दिया है और अब थोड़ा सा और घूम लेते हैं यार। आए हैं रात में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हनुमान जी के दर्शन हमें हो गए हैं, मंदिर सामने है बिल्कुल। तो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए कुत्ते की आँखें कैसे चमक रही हैं, पिल्ले की। बहुत ही अच्छा मंदिर है। ओ ये हमारा दोस्त बन गया है, बहुत अच्छा। बेटा यहाँ पे कोई आत्मा वात्मा आई क्या, चुड़ैल खींचती है क्या नदी में, इसमें नहर में? हाँ, मेरे भाई को भी ले गई। और ये हमारे पीछे पड़ गया है, देखिए हमें पूरा रास्ता दिखा रहा है ये कि हाँ उधर से जाओ उधर से। तो हम थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे काफी अंधेरा है। एक बार लाइट ऑन कर लो यार फुल वाली अपनी। थोड़ा सा आगे भी चल के हम दिखा देते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि हम आगे जा पाएंगे क्योंकि बहुत ही नहीं सूखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, फुल कर ले लाइट। ये देखिए ट्रैक्टर गया है अभी यहाँ से। तो उसके टायरों के निशान है, स्लिपरी। ओ कीचड़ है, ये कीचड़ है। तो भाई देख लो यार कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, कीचड़ में चल रहे हैं अभी हम। इधर आ जा, इधर उधर की, अच्छा उधर, हाँ ठीक है, सूखे में। लाइट तो प्रॉपर आ रही है ना हमारे। तो देख लो भाई उसी नहर के साथ साथ हम चल रहे हैं। भाई थोड़ा उधर ध्यान रखना, नहर है साइड में तेरे। और ये पूरा जैसे घास वास से उग गई है यहाँ पे। तो थोड़ा सा कुछ लोगों की डिमांड ये भी रहेगी कि भाई नहर के पास चलते हैं, अब नहर के पास नहीं चल रहे थे तो भाई नहर के पास चल लेते हैं अब। भाई कोई चुड़ैल उड़ैल है तो बता दो यार, कोई खींच लो यार हमें भी, हम भी देख लें चुड़ैल दिखती कैसी है। पैर उल्टे होंगे या सीधे होंगे दिनेश, क्या कहता है? पैर उल्टे होंगे या सीधे होंगे चुड़ैल के? बस तो उल्टे होने चाहिए तभी मानेंगे हम, चुड़ैल के उल्टे ही बताते हैं पैर। तो वो देखो बाहर रोड से अभी हम आए हैं और इतना अंदर तक आ चुके हैं। फसल वसल जलाई हुई, खेत वेत हैं यहाँ पे साइड में, नहीं फैक्ट्रीज भी हैं पीछे की साइड में, तो हो सकता है उसकी स्मेल हो रही है। पत्ते वत्ते बहते हुए आ रहे हैं नहर में और हम बिल्कुल पास में उस नहर के चल रहे हैं। कीचड़ के अंदर बिल्कुल, पूरी नाइट वॉक कर रहे हैं हम। अरे देखो इधर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है सामने और इधर कुछ पानी का जैसे है छोटा सा। अरे एक रूम सा भी दिख रहा है, उसमें लाइट जल रही है।
अभी हमसे पहले जो ट्रैक्टर गया था उसी का यहाँ पे रुका हो सकता है। अच्छा दिल्ली जल बोर्ड का बोर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे। देखिए दिल्ली जल बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है, रोहिणी सेक्टर 15 बवाना। तो यार देखो आगे पूरा ऐसे ही है, अगर चुड़ैल उड़ैल होती तो अभी तक तो कुछ ना कुछ कर ही देती हमारे साथ। पत्ते बड़ी ज़ोर से हिल रहे हैं यार, ये चुड़ैल के आने के वो तो नहीं है, साइन तो नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोज़ देखे पत्ते वत्ते हिलते हैं तो बोलते हैं हाँ आ गई भाई चुड़ैल, भूत आ गया, भूतों के आने का साइन है ये। तो यार यहाँ पे देखो ऐसा लग नहीं रहा, देखो गहराई थोड़ी ज़्यादा है और उस पर लिखा हुआ भी था बाहर कि अंदर जाने का प्रयास ना करें, तो प्रयास तो हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि बहुत गहरी है ये नहर, वरना आपको इसके अंदर थोड़ा सा चल के भी दिखा देते, कम से कम पैर वैर तो डुबो डुबो के दिखाई देते, टच करके इसको कोई खींच लेती है मैं तो। तो भाई आज 3 लोकेशंस करी हैं हमने और तीनों लोकेशंस मतलब टाइम वेस्ट उसको कह सकते हैं, लेकिन क्या करें भाई, आप लोगों को दिखाना है जो भी रियलिटी है इन सब जगहों की, जो भी रियलिटी वो आप सबको दिखानी है तो वही दिखाने के लिए हम आए हैं। तो भाई देखो लाइक बनता है इस वीडियो पे और सब्सक्राइब तो करो ही करो, आगे और बहुत ही ख़तरनाक लोकेशंस आने वाली है, रियल हॉन्टेड लोकेशंस आने वाली है। ये सब ऐसे तो चलती रहेंगी, ये सब तो वैसे भी बनाना है, कंटेंट तो दूसरे चैनल्स को बनाना ही है, तो ये सारी तो चलती रहेंगी। तो चलो बाहर चलते हैं और बाकी भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट से, और अब हम निकलते हैं। बवाना नहर भी आपको दिखा दी है हमने, सॉरी खूनी नदी में एक भी चुड़ैल नहीं मिली। कुत्ता फिर से भौंक रहा है सामने भाई, चार हैं। चार आंखें देख ओ भाई 5। लाइट कर, फुल कर भाई, फुल ही है, गलत लगा कर कुत्ते कुत्ते तो बेस बैट मिलने क्या। नहीं कुछ नहीं कर। तो ये देखो ये हो गई सिचुएशन, 4 कुत्ते पड़ गए हमारे पीछे, वो भी सोच रहे हैं भाई आज कौन आ गया। देखो पीछे पीछे आ रहा है, लाइट उन पे रख भाई, आगे देख आगे एक और है, ये डर रहा है थोड़ा, पीछे देखियो आ तो नहीं रहे। तो भाई चुड़ैल तो नहीं मिली लेकिन 4-5 कुत्ते जरूर मिल गए, ये कुत्ता थोड़ा घबराया हुआ है हमसे। तो यही थी भाई बवाना नहर, खूनी नदी जो कि निकली फुस नहर। कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पे, कोई चुड़ैल नहीं है, कीचड़ बहुत है बस। चलो भाई फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कोई रियल हॉन्टेड लोकेशन लाएंगे आप लोगों के लिए, बहुत सारी सर्च कर रखी है मैंने जो कि सच में है, सच में ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसी नहीं है बनाई हुई लोकेशंस नहीं है, सच में हॉन्टेड लोकेशंस हैं।